बांदा जेल में बंद माफिया डॉन माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत मुख्तार की मां राबिया अंसारी के 3,25,00,000 के प्लॉट को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। योगी सरकार 2.0 की वापसी के बाद एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। मुख्तार की हेकड़ी हुई तार तार, कार्रवाई की जद में पहले आया मुख्तार, कार्रवाई के निशाने पर फिर आया परिवार। 90 के दशक से पूर्वांचल की गलियों में अपनी मूंछ पड़ताव देकर घूमने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकाली जा चुकी है। वो इस वक्त बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों के एवज में मिलने वाली सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक एक कर उसकी सारी संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चल रहा है या फिर उसे जब्त किया जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत पर कार्रवाई की गई उसे मुख्तार अंसारी ने अपनी मां के नाम पर खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर पहले भी नोटिस दिया जा चुका था। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजार मूल्य लगभग 3,50,00,000 रुपया। गाजीपुर पुलिस की तरफ से मुख्तार के खिलाफ जो हंटर चला है उसमें करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में कार्रवाई, करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट कुर्क, मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर थी संपत्ति, करीब 3,25,00,000 की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये? ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं उनके माता जी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3,25,00,000 है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। जिस गाजीपुर की गलियों में रौब झाड़ता था मुख्तार, उन्हीं गलियों में घूम घूम कर पुलिस उसकी अकड़ को नीलाम कर रही है। 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी को बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार के परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों पर ये सरकारी नोटिस चस्पा हुआ हो। इससे पहले भी मुख्तार की मां के नाम पर दर्ज करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 9 जून 2021 को मऊ पुलिस ने की थी कार्रवाई, दक्षिण टोला इलाके की संपत्ति को किया था जब्त, करीब 24 करोड़ की संपत्ति पर लगा सरकारी ठप्पा। 2015 में मुख्तार अंसारी ने मां के नाम कराया था बेनामा। योगी सरकार 1.2 में पहले ही मुख्तार एंड फैमिली के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी के नाम खड़ी की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो वहीं अब योगी सरकार 2.0 में भी वही कार्रवाई जारी है। ABP गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।